अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कल शाम मेरे हस्बैंड मार्केट से सब्जियाँ लेकर आए थे काफ़ी सारी, तो मैं उन्हें ही वॉश करने जा रही हूँ। तो अभी मैं सारी सब्जियों को पैकेट से बाहर निकाल लूँगी और इन्हें अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और पहले मैंने ये बास्केट ले ली है छोटी सी, कुछ वेजीज इसमें अलग अलग करके रखूँगी और उसके बाद में मैंने सारी वेजीज ही अलग से खोल ली हैं। सारी सब्जियाँ एकदम फ्रेश लग रही थी, कोई भी सब्जी एक दिन पहले की नहीं फील हो रही थी। मैं सारी सब्जियों को धीरे धीरे से खोल लूँगी एक एक करके। मेरे पास जो स्टैंड है सब्जियों के लिए, पहले उसे मैं क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से और उसमें से जो पहले की बची हुई सब्जियां हैं वो सारी बाहर निकाल लूँगी। उसको क्लीन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहीं से मैं सारी सब्जियां इसमें रख दूँ, लेकिन वहाँ पर स्पेस इतना नहीं है कि वहाँ पर स्टैंड रखा जाता, तो इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया है। नीचे रख के मैं उसमें सब्जियाँ डालूँगी। तो देखिए मैंने आलू बहुत सारे मंगाए हैं क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे आलू मंगाए हैं। और जब मुझे इन्हें यूज़ करना होता है तभी मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने कुछ जो सब्जियाँ बची हुई थी उनको वॉश कर रही हूँ और फिर मैंने ये बास्केट में रख लिया है। और ये देखें फिर से मैं इन्हें एक बार वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें फिर से एक बार वॉश कर लूँगी। और गोभी में मुझे लगता है कि वो अच्छे से क्लीन, ब्रोकली ख़ास तौर पर ठीक से ढंग से नहीं धुल पाती है, तो इसे मैंने दो तीन बार वॉश कर लिया था। और अब ये एकदम क्लीन हो चुकी है, ये देखिए है ना एकदम फ्रेश। इनको कट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इन्हें फ्रिज में अच्छे से रख पाऊँ और ताकि जब मुझे ये यूज़ करनी हो तो मैं इजीली इन्हें यूज़ कर पाऊँ। अब
अब मैं रखने जा रही हूँ ये हरा धनिया जो काफ़ी सारा ये लेकर आए हैं, लेकिन मैं इसको एक पॉली बैग में करके रख रही हूँ। अभी इसे बाद में साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा था और इसको काफ़ी टाइम लग जाता अभी, इसलिए मैं ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए हैं, इनको सैलेड खाना था तो वही लेने आए हैं। अभी देखो मैंने किचन क्लीन कर दिया है एकदम से, अभी फिर मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ। अभी मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी लंच बॉक्स पैक करूँगी, और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी दोनों के लिए, तीनों के लिए। और अभी मैं फ़िलहाल पराठे बना रही हूँ। तो जी ये बेटे के लिए लंच पैक कर दिया है, इसके बाद में अब मुझे बनानी है अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए रोटियां। तो बेटे को मैं पहले ही नाश्ता करा देती हूँ ताकि उसे लेट ना हो जाए, और फिर बाद में हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं साथ में।
तो जी, लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है और हमने नाश्ता भी हमने कर लिया है। ये देखिए, मॉर्निंग में कुछ ऐसी हालत होती है रूम की। अभी जल्दी जल्दी से इसे क्लीन करती हूँ। Thank you.
तो जी लंच मैंने कर लिया है, तो मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ कट कर रही हूँ सारी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।